मुल्तानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे मतदान के बीच सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम विरोधियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट के 100% सत्यापन की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने अपने फैसले में पेपर बैलेट से मतदान की मांग को भी खारिज कर दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से भी यह साफ हो गया था कि कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा बदलाव नहीं करने जा रहा है। शुक्रवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की 2 जजों की बेंच ने सहमत से अपना फैसला सुनाते हुए ईवीएम वीवीपैट के 100% सत्यापन की याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोकतंत्र अपने विभिन्न स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास पर आधारित है। इस पर कोर्ट का रुख साक्ष्यों पर आधारित रहा है। वहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, किसी प्रणाली पर आंख मूंद कर संदेह करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश ये है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए। SLU को कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए। वहीं क्रम संख्या 2 और 3 में उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा EVM के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। बेंच ने कहा, हमारे अनुसार सार्थक आलोचना की आवश्यकता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका आदि हो। लोकतंत्र का अर्थ सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना है। विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी। कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने ईवीएम वीवीपैट पर किए जा रहे संदेह का विरोध करते हुए कोर्ट को विस्तृत रूप से इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी दी थी। कोर्ट को ईवीएम वीवीपैट के सॉफ्टवेयर और डाटा ट्रांसफर सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चुनाव आयोग ने जानकारी दी थी। चुनाव आयोग ने बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर तीनों कंट्रोल यूनिट, बटन यूनिट और वीवीपैट में होता है। सबको बस एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है। कंट्रोलर को बाहर से प्रभावित नहीं कर सकते और इसका आंकड़ा 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि मतदान ईवीएम मशीनों से ही होगा। बता दें, वीवीपैट मशीनों का सबसे पहले प्रयोग 2013 के नागालैंड विधानसभा चुनाव में हुआ था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव और बाद में 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में भी इस मशीन का इस्तेमाल किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल पूरे देश में किया गया। उस समय देश में 17.3 लाख से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल हुआ था।